विधि छात्रों के समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के 8 ग्रुप ने अलग अलग स्थानों पर लिया प्रशिक्षण। बरेली 12 जून। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विनोद कुमार के दिशा निर्देशन में विधि छात्रों का समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत विधि छात्रों ने सरकारी संस्थानों में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री निर्दोष कुमार ने बताया कि विधि छात्रों के समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 8 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को जनपद न्यायालय, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील सदर, महाराणा प्रताप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, बाल संप्रेक्षण गृह, केंद्रीय कारागार, साइबर थाना बरेली में विधिक कार्यों और सामाजिक कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समर इंटर्नशिप कार्यक्रम में विधि छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य हेतु दिनांक 12 जून 2023 से प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जून 2023 तक चलेगा, जिसमें सभी विधि छात्र उपस्थित होकर अपने प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रोजेक्ट हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन मेरी छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। विधि छात्रों द्वारा तहसीलदार सदर श्री राम नारायण सिंह से तहसील में होने वाले कार्य की जानकारी प्राप्त की गई। सूचना विभाग में अपर जिला सूचना अधिकारी श्री नरसिंह द्वारा विधि छात्रों को सरकारी संस्थानों द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं को प्राप्त करने और उन सूचनाओं को समाचार पत्रों तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सूचना विभाग द्वारा सभी विधि छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पुस्तकें भी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैरा लीगल वॉलंटियर श्री शुभम राय, श्री रजत कुमार, श्रीमती साधना कुमारी, श्री तरुण कुमार, श्री सत्यपाल सिंह, श्रीमती सपना, श्री सुशील कुमार, ज्वाला देव अग्रवाल द्वारा सभी विधि छात्रों को अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर सरकारी संस्थाओं में लेकर जाया गया, जहां सभी विधि छात्रों को अलग अलग क्षेत्र में होने वाले कार्यों और उनमें विधिक कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई गई।